हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश कर दिया है। चुनावी वर्ष होने के कारण जहां यह अंतरिम बजट रहा, वहीं कई लोक लुभावन घोषणाएं भी इसमें की गई। बजट में किसानों, कामगारों, मध्यकर्मियों को साधने की कोशिश करते हुए ऐलान किया गया है। वहीं बजट को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। भाजपा ने इतिहास एक बताया है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि ये चुनावी बजट है, किसानों और मजदूरों को लॉलीपॉप देकर हर बार की तरह इस बार भी छलावा किया गया है। मेरा बुनियादी प्रश्न यही है कि जो घोषणाएं आज की गई हैं वह अपने 4.5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं की गई। ये चुनावी जुमला ही है। पहले तो मोदी सरकार हिसाब दे, जवाब दे। 15 लाख रुपये जो खाते में आने थे उनका क्या हुआ? जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर देने की बात कही थी उसका जवाब दें। मेरा तो बुनियादी प्रश्न है कि 4.5 साल मोदी सरकार ने जो आज घोषणा करने क्यों नहीं करी। और ये एक और जुमला है, पहले तो ये हिसाब दें, जवाब दें। 15 लाख रुपए जो हर अकाउंट में उनको देना था, जो नौजवानों की रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल का। बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों को निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे। इस घोषणा को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा है कि 6,000 सालाना मतलब 17 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। ये किसानों के साथ मजाक है, अपमान है। आज जो घोषित किया है बजट में कि 6,000 रुपए प्रति साल देंगे, इसका मतलब 17 रुपए पर प्रतिदिन ये किसान को देंगे, ये एक मजाक है, किसानों का अपमान है। वहीं पेंशन की घोषणा को लेकर भी कहा गया है कि ये लोगों के लिए घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार को राम की याद आ रही है, किसानों की याद आ रही है, वहीं जबकि इनको नौजवानों की फिक्र नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में इस समय है, फिर भी युवाओं को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो उन्होंने पेंशन की बात करी है कि 60 साल बाद पेंशन देंगे, 60 साल बाद जो पेंशन देंगे 100 रुपए प्रीमियम के बाद, 29 साल 100 रुपए का प्रीमियम देने के बाद और 10% जो महंगाई होती है, तो ये तो एक घाटे का काम हो गया। ये बुनियादी प्रश्न ये है कि चुनाव को देखते हुए इन्हें राम मंदिर याद आ रहा है, चुनाव को देखते हुए इन्हें किसान याद आ रहे हैं, आज इनको नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है उनकी याद नहीं है। कल जो रिपोर्ट सामने आई है कि अपने देश में 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने देश में है, यही आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।